बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? यकीन है आप लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जो लोग अपने खुराक में मछली का इस्तेमाल करते हैं वो सेहतमंद, तंदुरुस्त, तमाना रहते हैं, क्योंकि फ़िश भरपूर होता है, फुल ऑफ न्यूट्रिशन होती है, विटामिन, जिंक, फास्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, हर चीज़ शामिल होती है फ़िश के अंदर। ये आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपके ब्रेन को हेल्दी करेगी, आपके हार्ट को हेल्दी करेगी, आपको और दिल की बीमारियों से बचाएगी। जो लोग फिश का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी जिस्मानी और जहनी कमज़ोरी का शिकार नहीं होते। तो आज हमारे किचन में बन रही है फिश की कढ़ाई, और वो भी मज़ेदार और यम्मी और घर के मसालों के साथ। बच्चे फिश खाने में थोड़ी प्रॉब्लम करते हैं, वो बोलते हैं इसके अंदर बदबू आ रही है और वो उसको खाना पसंद नहीं करते। तो आज हम बनाएंगे फिश इस तरीके से कि इसके अंदर स्मेल नहीं आएगी इसकी, और बच्चे खुशी खुशी मुर्गी समझकर खाएंगे, क्योंकि चिकन को बच्चे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। इसके लिए हमने ले लिया आधा किलो फिश, 600 ग्राम लिए मैंने टमाटोज, और टमाटोज ऐड कर रखे हैं, और चिलीज हद पर ज़रूरत मैंने लिए हैं। एक डली प्याज की मैंने चॉप कर दी, स्लाइस कर दिए। इसके बाद जो है एक मैंने पैन लिया, उसके अंदर ऑयल डाला। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए प्लीज़। ये आप लोगों का प्यार होता है और हम लोगों को मोटिवेशन होती है, इससे हम लोगों के अंदर कुछ करने का जज्बा होता है कि हम कुछ और करें और कोई नई और अच्छी रेसिपी लेकर आए आपके लिए। फिश को मैंने अच्छे से धो लिया है और प्याज को मैंने फ्राई कर लिया, स्लाइस कर ली थी मैंने, बारीक बारीक कट कर ली थी मैंने प्याज, और उसको इस गोल्डन कलर में लेकर आ गई हूँ। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ऑफ लहसुन अदरक के डाले हैं, उसको स्टिर फ्राई करूँगी मैं। ये देखिए लहसुन अदरक जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर, 600 ग्राम मैंने टमाटर लिए थे, इनको भी हमने अच्छे से पकाया, कुक करा। उस वक्त तक हमें इन टमाटरों को पकाना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। इसके अंदर 5-6 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, आप अपने टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, लेकिन मैंने 5-6 इसके अंदर हरी मिर्चें डाली हैं, 5 चिलीज डाल दी मैंने इसके अंदर। अब हम इसको पकने के लिए ढक के रख देंगे। एक दूसरे पैन में फ़िश को फ्राई कर लिया मैंने, ऐसे ही बगैर नमक मिर्च लगाए, और टमाटरों को देखिए मैंने इसके अंदर 1 चम्मच मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है 1/4 टीस्पून, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून, सॉल्ट डाले है 1 टीस्पून, ज़ीरा डाला है मैंने 2 टेबल स्पून, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है ये, और काली मिर्ची डाली है मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून। ये सब मसाले डाल के हम इसको और पकने के लिए रख देंगे। इसका एक पेस्ट बनाना है अभी, ये देखें कितना अच्छा पेस्ट बनने के बाद इसकी शक्ल हो जाएगी इस तरह की। फिश हमने फ्राई कर, अभी ये बहुत ही अच्छी गुड लुकिंग ग्रेवी आ गई है आपके पास। इसके अंदर आपने वो फ्राई फिश जो हमने फ्राई करी थी थोड़े से ऑयल के अंदर डाल दी हमने इसके अंदर। बहुत ही सॉफ्टली आपको चम्मच चलाना है इसके अंदर, हल्के हल्के, ताकि आपकी फिश बिखरे ना। मसाले को उठा उठा के और फिश के ऊपर डाल दीजिए सारा, और मैंने मसाला ज़्यादा बनाया है क्योंकि मसाला ज़्यादा अच्छा लगता है फिश के अंदर। देखिए हल्के हल्के आपने उसको मिक्स करा मसाले के साथ, और फिर उसको आपने 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है इसको दोबारा से। बहुत ही यमी लग रही है ये कढ़ाई। 10 मिनट के बाद आपने अदरक डाली इसके अंदर काट के, आप इसके अंदर हरा मसाला डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्ची सब डालेंगे, और ये 15 मिनट के अंदर ही आपकी फ़िश तैयार हो जाएगी, फ़िश कढ़ाई। सबसे लास्ट में आपने 1 टीस्पून गरम मसाला डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला है ये, और ये लास्ट में डालने की वजह ये है कि इससे सालन काला नहीं होता। अगर हम इसको शुरू में ही डाल देते तो हमारा सालन काला हो जाता और इतना गुड लुकिंग नहीं होता जितना गुड लुकिंग ये अभी है। एहतियात से जाएंगे ताकि थोड़ी सी सूखी हुई मेथी है और ये थोड़ा सा कड़ी पत्ता है, इसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। बहुत ही स्लो फ्लेम में इसको ढक के 10 मिनट पकने के बाद आप देखेंगे इतनी ल
लजीज खुशबू आ रही है, किचन महक गया है मेरा पूरा फिश की कढ़ाई से। ये मेथी और कड़ी पत्ते ने चार चांद लगा दिए इस कढ़ाई की खुशबू में। और ये देखिए मैंने फ्राई करा था ना इसको, इसकी शक्ल चेक करें आप, ये बिल्कुल भी नहीं बिखर रही है, ये बिल्कुल खड़ी खड़ी बनी हुई है बिल्कुल। इतनी लजीज और शानदार कढ़ाई है फिश की। रमज़ान शुरू होने वाले हैं, दुआओं की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। सी यू सून अगेन, अल्लाह हाफिज़।